हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ न्यू सर्विस चार्जेस के बारे में रिगार्डिंग एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और SBI बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या है यह नया सर्विस चार्जेस और कब से इफेक्टिव है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा न्यू सर्विस चार्जेस के बारे में रिगार्डिंग दिस बैंक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो बैंक है वो है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिविजन ऑफ एज रिवॉर्ड ऑन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे जो है एज रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में कुछ रिविजन आया है ऑन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये जो है ये इफेक्टिव है फ्रॉम 15 नवंबर 2022। कस्टमर विल नॉट बी एबल टू अर्न एज रिवॉर्ड पॉइंट ऑन द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, अगर आप लोग रेंट पेमेंट कर रहे हो, फ्यूल पेमेंट कर रहे हो, एजुकेशन सर्विस, यूटिलिटीज एंड अदर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन आप लोग करते हो थ्रू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलने वाला है फ्रॉम 15 नवंबर 2022 से। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फॉर ईच कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड थ्रू मर्चेंट कैटेगरी कोड्स, एग्जाम्पल वीजा, मास्टर कार्ड एंड रुपए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैटेगरी और मर्चेंट कैटेगरी कोड यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और एनी एज रिवॉर्ड ऑलरेडी अर्न्ड अंडर दिस कैटेगरी बिफोर 15 नवंबर विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, तो 15 नवंबर तक जितना भी एज रिवॉर्ड पॉइंट आप लोग को मिला हुआ है वो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो 15 नवंबर के बाद से आप लोग कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन दिस कैटेगरी। ठीक, और नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे ये सब क्रेडिट कार्ड में आप लोग को कोई भी एज रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ये था एक्सिस बैंक का न्यू सर्विस चार्जेस के बारे में जो कि 15 नवंबर 2022 से इफेक्टिव होगा। ठीक है, और इंडसइंड बैंक का सर्विस चार्जेस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग को वीडियो देख लीजिएगा जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 नवंबर 2022 से। इसमें सेविंग अकाउंट में रिलेटेड चार्जेस चेंज हुआ है, IMPS चार्जेस चेंज हुआ है। ठीक है, और बहुत सारा चार्जेस चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार। और SBI के द्वारा SBI कार्ड में कुछ चेंजेस किया है। डियर कार्ड होल्डर, प्लीज नोट दैट चार्जेस ऑन योर क्रेडिट कार्ड शैल बी रिवाइज्ड और लिवाइड विथ इफेक्टिव फ्रॉम 15 नवंबर 2022 से, ये इफेक्टिव होगा। ठीक है, और कैटेगरी फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोसेसिंग फी ऑन मर्चेंट EMI ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिवाइज टू 199 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 99 प्लस एप्लीकेबल टैक्स से इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, जो कि अभी आप लोग को 199 प्लस एप्लीकेबल टैक्स देना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग फी ऑन रेट पेमेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 99 प्लस एप्लीकेबल टैक्स यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा अगर आप लोग रेंट पेमेंट कर रहे हो SBI कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये था 3 अपडेट के बारे में रिगार्डिंग एक्सिस बैंक, SBI कार्ड और इंडसइंड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनर टेक। थैंक यू।